हेलो एवरीवन गाइस, मैं आ चुका हूँ फ्रूट मार्केट यानी कि नारियल मार्केट की। स्टार्टिंग करते हो नारियल मार्केट में। हेलो भैया, कैसे हो? बढ़िया। एक बार स्माइल तो दीजिए, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। थैंक यू। तो गाइस, नारियल मार्केट में आने के बाद मैं आपको एक नज़र दिखाता हूँ नारियल मार्केट की तरफ। और नारियल मार्केट की तरफ से आज जो हमें बताने वाले वो हमारे यहाँ के जाने माने सर हैं, जो कि प्रधान जी। और चलते हैं आप सर के पास में। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया भाई। हाँ सर, आज की क्या पोजीशन चल रही है? पोजीशन भाई 30 से 32 रही है। 30 से 32 ही रही है अभी। आज गाड़ियों का रेवल कितना होगा सर? 15-16 गाड़ी। 15-16 गाड़ी आया आज टोटली। डेली खाली हो जाता है। डेली खाली हो जाती है। काम अभी वैसे थोड़ा ठंडा चल ही रहा है, ठंड के मौसम के मुकाबले। और सर, आज सारा माल पैक हो गया अपना? पैक हो गया। तो आज सारा निकल गया है मतलब? आज की कोई गाड़ी आई है अभी या नहीं? या आएगी? अच्छा, ये आज ही की है। और आज ही के आज पैक भी हो गया है प्रधान जी का। तो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच सर। आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम और एक बार कॉन्टेक्ट नंबर। जी हाँ, 93128 जी 33267। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अपनी फर्म का नाम? फ्रूट कंपनी। मैंने दिखा दिया बोर्ड भी उसके लिए। गाइस, यदि कोई भी व्यापारी अपना माल यहाँ पे लगाना चाहे तो लगा सकता है। यदि कोई भी व्यापारी अपना माल यहाँ पे खरीदना चाहे थोक में तो खरीद भी सकता है। थैंक यू एवरीवन। गाइस, आज का वीडियो देखने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। गाइस, एक चीज यहाँ पे एक नोटेड है आप सभी के लिए। तो गाइस, नोटेड ये है कि अपने पास ना सर के पास में पैकिंग में भी माल अवेलेबल मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे 10 पीस का एक पैक होता है। इसके अलावा कट्टों में भी पैक हो जाता है, जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसे पैक होके भी। या फिर आपका ऑटो वगैरह लगता है तो उसकी गाड़ी भी लग जाती है। तो गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप सभी। थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन, गाइस मैं आ चुका हूँ सेब मार्केट। और सेब मार्केट में जो आप ये सेब देख रहे हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है। और उस क्वालिटी के साथ में जो उसका प्राइस है आज वो मैं बताने से पहले आपको एक नज़र दिखाने वाला हूँ सेब मार्केट की तरफ। ये देखेंगे आप चारों तरफ यहाँ सेब मार्केट। और सेब मार्केट के साथ साथ जो आज हमें यहाँ पे रेट बताएंगे वो यहाँ के बहुत ही जाने माने सदस्य हैं। तो लेके चलता हूँ मैं आपको सर के पास। हेलो सर, कैसे हैं सर? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका शुभ नाम? हरीश। अपनी फर्म का नाम क्या होगा सर? MRC जी। अपने पास जो ये वाला सेब है सर, ये कहाँ का और क्या रेट है इसकी पोजीशन? ये पटन से आया है, गंडकी से जी। और इसका रेट है 800 रुपये। 800 रुपये पर बॉक्स। इसका वजन वही 15-16? ये 18 किलो तक 18 किलो तक होता है। और सर, ये आगे वाला भी यही है या चेंज? 800 रुपये। ठीक है। और सर, ये वाली भी एक छोटी है और अच्छी है। कलर और ये 4 लेयर है सर या 5 लेयर होता है? कलर और क्वालिटी के ऊपर भी। हाँ जी। तो सर, आज वैसे सुपौर और सुफियान की भी पोजीशन लमसम? आजकल थोड़ा सा मंदी का दौर है जी। सुफियान बिकता है 800 रुपये से लेके 1050 तक जी। और पटन बिकता है आपका समझो कि 700 से लेके 850 तक। 850 तक सुपौर भी इतना ही कुछ होगा? सुपौर भी इतना ही। अमेरिकन सर, अमेरिकन का भी अमेरिकन का डिब्बे भी आजकल मंदे का दौर है। सर, काफी 400 से लेके 500 रुपये का रेट, 500 रुपये तक का बॉक्स हो गया है। यदि कोई व्यापारी अपना माल आपके यहाँ पे लगाना चाहे तो लगा सकता है? लगाएगा, हम तो बेचने के लिए ही बैठे हैं। ऑफ कोर्स सर, उसके लिए आपका कॉन्टेक्ट नंबर एक बार बोल दीजिए। 9811016542। बहुत बहुत शुक्रिया सर। गाइस, ये जो नंबर आपको मिला है, दिल्ली की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, आपको सबको मालूम है। तो उस मार्केट का जो नंबर आपको मिला है उसका ज्यादा से ज्यादा लुत्फ उठाएं, इस पे थोक के लिए संपर्क करें। यानी कि जो आपको अगर कहीं माल खरीदना है तो वो थोक के लिए खरीदे। अपना माल आपको लगाना है तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे सब खरीदार यहाँ पे खड़े हुए, सभी व्यापारी है। और इसके अलावा गाइस, ज्यादा से ज्यादा इस नंबर का संपर्क करेंगे माल थोक में खरीदने के लिए और माल को अपना माल लगवाने के लिए। थैंक यू एवरीवन गाइस, आज का रेट जानने के लिए। हेलो एवरीवन गाइस, मैं आ चुका हूँ अनार मार्केट। और अनार मार्केट में जो आप ये अनार देख रहे हैं, जानने के लिए चलते हैं आज इसका रेट। वैसे तो ये सारा गुजराती है, मार्केट सारे गुजराती के आने लगे। उससे पहले आपको एक नज़र दिखाता हूँ मार्केट की, और उसके बाद आपको चलते हैं लेके अपने वसीम भाई के पास, जो कि आगे बहुत ही जाने माने मशहूर आदमी है। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बढ़िया। आपका नाम? नाम वसीम अहमद। अपनी फर्म का नाम? WAC वसीम अहमद एंड कंपनी जी। अपने पास जो आज अनार है गुजरात का है ना सर? गुजरात का माल, अभी सारा मंडी में गुजरात ही आ रहा है। वहाँ गुजरात ही आ रहा है, नासिक नहीं बिक रहा ना जी। क्या रेट चल रहा है आज की पोजीशन क्या है? आज का रेट है 300 रुपए से लेके 1000 रुपए तक। 300 रुपए से लेके 1000 रुपए तक, कल से कुछ रेट बढ़ गया यानी आज बड़ा माल में बढ़ रहा है, छोटे में नहीं बढ़ रहा। अच्छा, छोटा तो वैसे ही मतलब बहुत कमी के साथ पूछा जा रहा है, जबरदस्ती दिया जा रहा है एक तरीके से ग्राहकों को, है ना सर, खपाने के लिए। और इसके अलावा सर, आज मतलब आवक कैसी रही है?
उठा है ग्राहक मंडी में, ग्राहक कल से बहुत बढ़िया है, कल से बहुत कल तो भैया यहाँ मामला खराब था जी। आज हमारे ग्राहक आए हैं, देखो ये नेपाल के हैं, अच्छा वो इटावा के हैं नूर भाई जी, ये लोकल के भाई हैं, ये लखनऊ का भाई। अच्छा आप लखनऊ से, वाकई में दूर से भी आप नजर आ रहे हैं, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इमरान। लखनऊ में कौन सी जगह से आपकी अपनी दुकान है? यहाँ मैं यही काम तो करता हूँ, रहने वाला लखनऊ का। हेलो सर नूर भाई, सर आपका नाम बता दीजिए। नूर मोहम्मद। अपनी अभी जो आप यहाँ से माल लेके जाके कहाँ पे बेचते हैं? यूपी में। यूपी में कौन सी जगह? इटावा। इटावा में, तो इटावा से यहाँ पे आप बिजनेस करने के लिए वसीम भाई के साथ कोऑर्डिनेट है, कैसा कोऑर्डिनेशन रहा है अभी तक आपका? सही है, जैसा माल आपको यहाँ पे दिखाया जाता है, माल यहाँ पे आपको चेक करा के दिया जाता है वैसे ही मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बताने के लिए। यहाँ पे एक और साथी हमारे नेपाल से। हेलो सर, व्हाट्स योर गुड नेम सर? समीर अंसारी। समीर अंसारी, आप नेपाल में कौन सी जगह पे सर? वाड़ी भंडा मोड़, पटिया कला। अच्छा तो सर वहाँ से तो आपकी लैंग्वेज भी आती होगी? हाँ आती है। अच्छा तो नेपाल में एक बार अनार को क्या कहते हैं वो थोड़ा बताइए। अनार ही बोलते हैं। अच्छा नेपाल में अनार को अनार ही बोलते हैं, ठीक है। और कैसा रहा कोऑर्डिनेशन है सर के साथ में, वसीम भाई के साथ? वसीम भाई बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छे व्यापारी हैं अनार के, बहुत ही अच्छे। और मैं रुद्रा का जो सॉरी आरती है, और रुद्रा के जो मार्का RFC आता है बहुत अच्छा वजन का होता है, 10 किलो निकलता है माल पूरा माल समेत जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की वीडियो को पूरा करने के लिए, थैंक यू वसीम भाई अपने सारे व्यापारियों से बात कराने के लिए और आज की सारी पोजिशन बताने के लिए शुक्रिया। हेलो एवरीवन गाइस, मैं आ चुका हूँ अमरूद मार्केट, और अमरूद मार्केट में जो ये आप अमरूद देख रहे हैं वो VNR है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। इसकी बेस्ट क्वालिटी के साथ इसकी बेस्ट ऑनरी माल को मटेरियल को दिखाते हुए मैं आपको इसके ऑनर से भी मिलवा देता हूँ, जो कि आज हमें रेट बताने वाले हैं अपने हारून भाई। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हारून रशीद है। अपनी फर्म का नाम सर? फर्म का नाम है M/S मुक्की मेनन अहमद एंड सन जी। अपने पास जो आज ये अमरूद है ये कहाँ का और क्या रेट है? ये रतलाम का है। हाँ जी। और आज ये 50 रुपए से लेके 70 रुपए तक बिका है। ये पोजीशन रही है इसकी? हाँ, बढ़िया माल जो है वो बढ़िया ही रेट पे बिकता है जी। जो कलर वाले माल है वो 70 रुपए तक बिकते हैं जी। मैं एक बार फिर से आपको क्वालिटी दिखा देता हूँ, जैसे सर ने अभी बात बोली, जैसा क्वालिटी होगा वैसे उसका प्राइस होता है, तो ये बात हकीकत है गाइस। मार्केट में आपको लो रेट भी मिलेगा, हाईएस्ट रेट भी मिलेगा, सर देखिए आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका रेट। उसके साथ साथ जैसे आपको आज रेट बताया गया सर, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ और क्लियर कीजिए। जैसे कि आपसे पहले हमने जो इतने भी हमारे आरती भाई हैं उन सबसे पूछा है, वो बताते हैं इसमें से शुगर फ्री होता है तो क्या आपके पास फ्री ऑर्गेनिक होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग से तैयार होता है, के लिए वो फायदेमंद, बहुत फायदेमंद होता है। और ये मेरी फर्म है, फर्म का ये मेरा कार्ड है जी, मैं देख लेता हूँ गाइज। इस कार्ड को मैं आपसे पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, इसमें और फिर से आप देख सकते हैं, इसमें सर का नाम भी है, एड्रेस भी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी और लाइसेंस नंबर भी, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके साथ साथ आप चलते हैं सर के पास फिर से, तो सर आज की जो राजस्थानी अमरूद है वो भी आपके पास होता है, तो उसका क्या पोजीशन चल रही है? राजस्थान अमरूद जो है नीचे मिनिमम 25 रुपये से लेके बढ़िया माल 50 रुपये तक, 25 से 50 की आज पोजीशन है। आज मार्केट की आवक कैसी रही है? और अमरूद अभी कम आ रहे हैं जी, रेट अच्छे बने हुए हैं, रेट अच्छे बने हुए हैं, बहुत गजब। ठीक है सर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर एक बार बोल दीजिए। 9811220906। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर आज का रेट बताया। गाइस मैं आ चुका हूँ माल्टा मार्केट, और माल्टा मार्केट में जो आप ये देख रहे हैं माल्टा, क्या ऑरेंज लग रहा है यार, ये तो किन्नू लग रहा है। किन्नू के अलावा मैं आपको दिखाता हूँ वैसे माल्टा है, और माल्टे के आज हम रेट बताने वाले हैं अपने सर के साथ। हेलो सर, कैसे आप? बढ़िया सर जी। सर आपका शुभ नाम? मुकेश कुमार वधवा। अपनी फर्म का नाम सर? दुर्गा फ्रूट एजेंसी जी। सर अपने पास जो ये माल्टा है ये कहाँ का और क्या रेट है? गंगानगर का है जी जी, ये वहाँ से चला हुआ है 24 रुपये का। और यहाँ पे आगे? यहाँ के पड़ेगा समझो 2 रुपये खर्चा हो जाएगा, 3 रुपये 27 रुपये का पड़ेगा। अच्छा तो यहाँ पे 27-28 का बिक रहा है, 28-30 का बिक रहा है, 28-30 का बिक रहा है माल्टा आज। और बाबूजी इसके अलावा माल्टा कहाँ कहाँ से आ रहा है? माल्टा आ रहा है बोर का, गंगानगर का आ रहा है, और इधर का ही आता है फाजिलका का आता है, बस 2-3 जगह का आ रहा है, बस अब खत्म होने वाला है, बस 2 मतलब हफ्ते 10 दिन में खत्म हो जाएगा माल्टा। फिर उसके बाद माल्टा के बाद मौसमी चालू हो जाती है, किन्नू का चालू हो जाएगा, किन्नू और मौसमी का क्रेज रह जाएगा सारा। तो बाबू जी ज़्यादातर मौसमी और तो गर्मियों में भी सर्दियों में एनी टाइम मिलती है? मौसमी 12 महीने नहीं रहती है। अच्छा ये किन्नू सर, ये आपका ये 2-3 माल्टा ये 2-3 महीने का रहता है, जैसे जैसे आती है फसल वैसे उसका माल आ जाता है। ठीक बाबू जी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर एक बार बोल दीजिए। 9810752653। बहुत बहुत शुक्रिया बाबू जी आज का रेट बताने के लिए, थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन गाइस, मैं आ चुका हूँ मौसमी मार्केट, मौसमी मार्केट में जो आप ये मौसमी देख रहे हैं, नई फसल नया रंग और नए तरंग के साथ में जो आज का रेट बताने वाले हैं, कहाँ की मौसमी, चलते हैं सर के पास जो कि यहाँ के बहुत ही जाने माने सदस्य हैं और उनकी जो वीडियो के साथ आज हमें रेट पता चलेगा। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम नासिर मलिक है जी। अपनी फर्म का नाम सर?
नासिर ट्रेडर। नासिर ट्रेडर्स। और अपने पास जो मौसमी है ये कहाँ की मौसमी है सर? ये सर मौसमी जो है ना ये हैदराबाद से है। हैदराबाद से सर मौसमी कहाँ कहाँ से आ रही है? एक महाराष्ट्र की जी, हैदराबाद जी, और पंजाब से माल्टा भी आ रहा है। हाँ जी, हाँ चारों तीनों चारों तरफ से माल आ रहा है। चारों तरफ से आ रहा है, लेकिन जो अभी मौसमी की आवक है वो कम है जहाँ तक मैंने देखा है। और जैसे आपके पास ये हैदराबाद की मौसमी है, ये नई फसल है, तो क्या जो महाराष्ट्र की और आंध्रा की वो भी नई फसल है या वो नई भी आ रही है? पुरानी भी आ रही है, महाराष्ट्र से पुरानी भी माल आ रहा है, पुराना भी माल आ रहा है। तो सर नए और पुराने में कोई रेट का फर्क है या नहीं? नहीं ज्यादा फर्क नहीं है, 1 से 2 रुपए किलो का फर्क। तो कौन सा ज्यादा होता है, नया वाला महंगा होता है या पुराना वाला महंगा होता है? देखो हर चीज की अपनी अलग वैल्यू है। हाँ सर, अब जो पुराना है उसमें मिठास है, मीठा हो रहा है तो उसका अलग उसकी वैल्यू है। नया माल है, किसी को हरा माल चाहिए होता तो हरा ले जाता जी। तो सर आज की क्या पोजीशन रही है? आज की पोजीशन रही है अपना 26 रुपए से लेकर 40 रुपए तक, ठीक है। और जो महाराष्ट्र के माल है वो 1-2 रुपए कम बिकता है, वो समझो आप 25 रुपए से लेके 38 रुपए, 25 रुपए से लेके 38 रुपए तक का। और ये वाला जो आपने बताया ये 26 से 40 तक की पोजीशन आज मार्केट की रही है। कितनी आवक रही होंगी आज? आज मंडी में है 8 गाड़ियों की आवक है। 8 गाड़ियों की, 3 गाड़ी पुरानी है जी और 5 गाड़ी नहीं है, ठीक है। सर आपका 1 गाड़ी हैदराबाद। अच्छा, हैदराबाद की सिर्फ आप ही के पास में? अच्छा सर, हैदराबाद की क्वालिटी अच्छी होती है या महाराष्ट्र की? हैदराबाद की अच्छी है, हैदराबाद की अच्छी होती है। जूस ज़्यादा होता है, महाराष्ट्र में जूस थोड़ा कम होता है, थोड़ा कम होता है अकॉर्डिंग ऑफ हैदराबाद जी। सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर एक बार बोल दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा बोर्ड में है जी, मैं बोर्ड दिखा देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे ये सब टीम है हमारी जो यहाँ पे वर्क करते हैं, और वर्क मतलब साथ में काम करने वाले सदस्य हैं, एक साथ मिलके पार्टनरशिप में हैं ये सभी। और इन सब के साथ साथ जो आज मैं आपको बोर्ड दिखाने वाला हूँ, जैसे कि नासिर भाई से हमारी मुलाकात हुई थी एंड क्लोज, यानी कि नासिर एंड ट्रेडर्स, तो लेके चलता हूँ आज बोर्ड भी और क्लियर दिखा दूँ। तो गाइस यहाँ पे आप सब देख सकते हैं ये बोर्ड है, और बोर्ड पे आपको लाइसेंस नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, सारी चीज़ें, सभी चीज़ें मिल रही है। और इसके अलावा आपको अगर कोई भी खरीदना चाहता है यहाँ से माल तो थोक में खरीद सकता है, और कोई भी अगर माल लगाना चाहता है अपनी माल मतलब गाल की गाड़ी तो वो यहाँ पे इस नंबर पे संपर्क कर सकता है। तो थैंक यू एवरीवन गाइस, थैंक यू। हेलो एवरीवन गाइस, मैं आ चुका हूँ किन्नू मार्केट, और किन्नू मार्केट के साथ साथ जो आज आपको पोजीशन बताने वाले वो इस एरिया के बहुत ही जाने माने, बहुत ही प्रसिद्ध आदमी है, और उस खास शख्सियत के साथ मैं आज आपके साथ बात कराने वाला हूँ। तो चलते हैं अपने सर के पास। हेलो भाव जी, कैसे हैं आप? जी भाव जी, आपका शुभ नाम बता दीजिए प्लीज। और अपनी फर्म का नाम? और अपने पास जो आज किन्नू है ये कहाँ का और क्या रेट है? ये पंजाब से आता है जी। और इसकी क्या पोजीशन है भाव जी आज? मोटा किन्नू है 20 रुपए किलो। अच्छा, किन्नू है 10 रुपए किलो। अच्छा, तो 10 से 20 की पोजीशन है भाव जी। अब जैसे ठंडी बढ़ी है इसका कलर भी चेंज होता आ रहा है, तो क्या इसके रेटों में कुछ बढ़ोतरी आ रही है? बढ़ रहा है रेट। तो अच्छे साइज का अगर आज मार्केट का रेट देखा जाए तो कितना होगा? जैसे 45 दाना टाइप और 32 दाना टाइप। अच्छा, और अकॉर्डिंग ऑफ जो सी ग्रेड होती है वैसे उसके हिसाब से रेट उसका लग जाता है। भाव जी अपने पास अनानास भी रखा है ना, वो राजा है शायद, उसका क्या रेट है यहाँ पे? यही रेट चल रहा है। भाव जी आपका कॉन्टेक्ट नंबर एक बार बोल दीजिए। 9-1-1-8-1-0-1-3-8। बहुत बहुत शुक्रिया भाव जी। गाइज भाव जी ने जो अपना नंबर दिया इस नंबर, ये आप देखेंगे ये सारा का सारा माल लगा हुआ है, चारों तरफ आप देखेंगे यहाँ पे ग्रेडिंग पे भी माल तैयार किया जाता है। भाव जी की ये फट की दुकान है, आप आते जाते जब भी आएंगे तभी आपको भाव जी यहाँ बैठे हुए नजर आएंगे, और यहाँ पे ही मिलते हैं मोस्टली। तो गाइज आपसे रिक्वेस्ट है, इस नंबर पे जितने भी आपको नंबर दिए जाते हैं उन्हों पे आप थोक के लिए संपर्क करेंगे, फुटकर के लिए कोई भी नहीं, क्योंकि जो नंबर आपको दिया जाता है वो दिल्ली की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, उस पर जो आपको कॉन्टेक्ट करना है वो थोक के लिए करना है, बल्क के लिए करना है, फुटकर के लिए नहीं करना है। तो थैंक यू एवरीवन आज की वीडियो को पूरा करने के। हेलो एवरीवन गाइस, मैं आ चुका हूँ शरीफा मार्केट, और शरीफा मार्केट में जो आज आप ये शरीफा देख रहे हैं ये गोल्डन शरीफा, गोल्डन शरीफा के साथ साथ जो आज मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ इसके रेट वेट और सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, तो उसे बताने के लिए लेके चलता हूँ मैं आपको सर के पास जो कि आज हमें रेट बताने वाले हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। आपका शुभ नाम सर? लोकेश। अपनी फर्म का नाम सर? SPS ग्रुप जी। अपने पास जो आज शरीफा है ये गोल्डन शरीफा, ये कहाँ का और क्या रेट है सर? ये महाराष्ट्र का सोलोपुर का है जी, और लगा लो 12.5 तक जा रहा है। 12.5 तक जा रहा है? 12.5। कितने रुपये? 1100 से 1150। इस क्वालिटी में वैसे मिनिमम रेट तो और भी ज्यादा कम रहा है ना, 700 या 600 समथिंग? वो मीडियम क्वालिटी है, साइज अंडर है, वो बिक रहे अपना 600 रुपए से 800 रुपए। और सर के पास है बहुत ही सॉलिड, मैं आपको दिखा दूँ, बहुत ही सॉलिड ऑनरी मटेरियल जिसे कहेंगे वो है, तो इसका रेट इसीलिए 1150 से 1200 की रेंज में है। ये ग्रेडिंग करी हुई है, लार्ज मीडियम स्मॉल निकाल रखा है व्यापारी, इसलिए रेट इसका अच्छा रहता है जी। हाँ,
और सर अपने पास अपल बेर भी रखा है, तो अपल बेर की भी थोड़ी सी रेट लगा लो 250 रुपए से 350 रुपए, 250 रुपए से 350 रुपए रखा रेट रहा है। आपका कॉन्टेक्ट नंबर एक बार बोल दीजिए प्लीज। कॉन्टेक्ट नंबर है 9268-13-459। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज का रेट बताने के, आज के क्वेश्चन को बताने के। तो गाइस आज का रेट आपको कंफर्म हुआ है एप्पल बेर एंड शरीफा, तो आप देखते रहें वीडियो को पूरा और लाइक भी करते रहें कमेंट। हेलो एवरीवन गाइस, मैं आ चुका हूँ संतरा मार्केट, और संतरा मार्केट में जो आप ये संतरा देख रहे हैं क्वालिटी से पहचाना जा सकता है, इसकी रंगत से पहचाना जा सकता है कौन सी फ्रम का होगा, तो उस फ्रम को मिलाने के लिए मैं लेके चलता हूँ। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं सर? सब बढ़िया बढ़िया। आपका शुभ नाम सर? सर मेरा नाम प्रेम, विक्की ट्रेडर जी। सर अपने पास जो आज संतरा है ये कहाँ का और क्या रेट है? ये हमारे अभी लाइन के संतरे चालू हैं जी, जी और भवानी मंडी के भी काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन मोटा माल जो है लाइन का ही आ रहा है। मोटा माल सिर्फ लाइन के पास ही आ रहा है अभी, उसका मंडी के भी आ रहे हैं, लेकिन जो 96-80 जो मोटे माल है हाँ जी ये लाइन के ही ज़्यादा आ रहा है। ठीक, तो सर इस क्वालिटी में आज क्या प्राइस रहा है, क्या पोजीशन रही है मार्केट की? प्राइस की कंडीशन लोगे तो वैसे गाड़ियों का लोड तो आज लगभग 30-35 गाड़ियों का लोड है, जिसमें लाइन की रहेंगी आपकी 8-10 गाड़ियाँ जी, बाकी 20-21 गाड़ियाँ जो है अपनी लाइन भवानी मंडी की है, और लूज गाड़ियों की रिपोर्ट नहीं होगी। ठीक है, लूज गाड़ी अपने हिसाब से छोटे कैंटर आते हैं उस हिसाब से आगे से। ठीक है, तो सर आज रेट क्या रहा है मार्केट? रेट हमारे लाइन के तो समझो 96 दाने जो रहे हैं वो समझो 700 रुपये से लेके 850 रुपये तक जी, और भवानी मंडी के 10-20-50 ऊपर ही रहते हैं, क्योंकि माल वो अच्छे हैं, वो माल अच्छा है तो सिर्फ उसके रेट बढ़ जाते हैं। अच्छे तो खैर ये माल ही मीठे खाने जी, हाँ खाने में मीठे लाइन के ही हैं। अच्छा, लेकिन अगर आप टाइटनेस पे देखेंगे तो भवानी मंडी का, भवानी मंडी का टाइटनेस में, बाकी टेस्ट लाइन की मंडियों का होता है, लाइन मार्केट का बिल्कुल, और इसीलिए उसका रेट थोड़ा सा हाई, थोड़ा रेट 50 रुपये जम भी रहे। आपका कॉन्टैक्ट नंबर एक बार बोल दीजिए सर। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जी 98914-65992 और 98111-7174, विक्की ट्रेडर B800। बहुत शुक्रिया सर। आज कम से कम संतरे का रेट और ज्यादा से ज्यादा जो क्रेट की वैल्यू रही है वो क्या रही? जैसे 200 दाने समझो 400 से लेकर 550 तक जी, 191 दाना 600 से 700, और 171 दाने की पोजीशन समझो 800 से लेकर 1000 रुपये जी, 141 दाना 1200 रुपये तक, 1200 रुपये तक का है आज मार्केट। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू आज की रेट की पोजीशन बताने के लिए, शुक्रिया। हेलो एवरीवन गाइस, मैं आया हूं 5 स्टार आजादपुर चैनल से, और आप सभी के सामने जो आ गया हूं किन्नू मार्केट। किन्नू मार्केट की जो आप किन्नू की रेट बताने वाले वो आपको सबको मालूम है, बहुत ही बेहतरीन आदमी है RRR। तो चलते हैं RRR सर के पास। जी सर जी, जी जी, आपका नाम? मेरा नाम राजा। अपनी फर्म का नाम? मेरा राजा फ्रूट कंपनी। और अपने पास फल? अपने पास राजा है और किन्नू है जी। तो राजा अनानास का क्या रेट है आज का? राजा अनानास का रेट 22-23 रुपए है। और किन्नू? किन्नू एक नंबर चल रहा है 25-24 रुपए। और दो नंबर? और मीडियम चल रहा है 17-18-19 रुपए। वैसे मिनिमम से मिनिमम रेट क्या है? मिनिमम हाँ, मतलब कम से कम रेट आज किन्नू का? कम से कम चार नंबर है उसका 9-10 रुपए बिक रहा है जी, और नहीं तो रेट यही है 9 रुपए से लेकर 25 रुपए तक है। ठीक है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर एक बार बोल दीजिए। कॉन्टेक्ट नंबर है 7417843071। बहुत शुक्रिया सर आज का वीडियो देने वो रेट बता। हेलो एवरीवन गाइस, मैं आ चुका हूँ पपीता मार्केट, और पपीता मार्केट में जो आप ये पपीता देख रहे हैं इसमें आप देखेंगे इस क्वालिटी के साथ जो आज मैं रेट बताने वाले हैं वो यहाँ के बहुत ही जाने माने बहुत ही मशहूर आदमी है, जो कि पहले से हम सब जानते भी हैं, तो आज लेके चलते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। आपका गुड नाम? मोहम्मद मार जी। मेरे चैनल पे पहली बार आपकी और मेरी मीटिंग हुई है, ठीक है। आपकी फर्म का नाम क्या होगा? सर फर्म का नाम है फरहान फ्रूट ट्रेडर्स जी। अपने पास जो आज पपीता है जैसे कि ये वाला रखा हुआ है, ये कैसा है और क्या रेट है इसकी, क्या पोजीशन चल रही है? सर ये महाराष्ट्र का माल है जी, और इसकी पोजीशन लगभग 18-20 रुपए की है। 18-20 रुपए की आज की वैल्यू है। और सर जो उधर वाला मटेरियल रखा है आपका? सर ये है, ये 2 नंबर वाला है, इसकी पोजीशन है 8-10 रुपए। 8-10 रुपए, तो इतना सस्ता भी पपीता है मतलब जी, अपने यहाँ पे। और सर अपने पास कच्चा भी पपीता होता है जी, कच्चा है, गाड़ी उतर रही है और आप सब देख सकते हैं माल चारों तरफ लगा हुआ है। तो कच्चे की क्या पोजीशन है आज? कच्चे की पोजीशन है 14-15 रुपए। 14-15 रुपए। यदि जो कच्चा आता है आप उसको कच्चे में भी सेल आउट करते हैं, मतलब बेचते हैं, और उसे पकाने के बाद भट्टी भी है ना अपने पास जी, हाँ जी। तो गाइस मैं बता दूं सर के पास में भट्टी पे गोडाउन भी है, यहाँ पे अपना माल को पका के उसे फिर उसे अच्छे सा मिठास हो जाती है उसमें, तब उसको बेचा भी जाता है, राइट जी। तो आपका कॉन्टेक्ट नंबर एक बार बोल दीजिए।
9711616421। ये भाई का कॉन्टैक्ट नंबर है, यदि कोई भी व्यापारी अपना माल यहाँ पे लगाना चाहे तो लगा सकता है, यदि कोई भी व्यापारी अपना माल यहाँ पे खरीदना चाहे थोक में तो खरीद भी सकता है। गाइस इस नंबर पे जो भी संपर्क करेगा वो दिल्ली आजादपुर मंडी की एसी की सबसे बड़ी मार्केट है, तो वहाँ पे थोक का काम होता है, यहाँ पे थोक के लिए संपर्क करेंगे, फुटकर के लिए कोई भी नहीं। थैंक यू एवरीवन गाइस, आज का वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें, थैंक यू। हेलो एवरीवन गाइस, मैं आ चुका हूँ तरबूज मार्केट, और तरबूज मार्केट में जो आप ये तरबूज देख रहे हैं ये आंध्रा का है मोस्टली, और आंध्रा से जो आ रहा है तरबूज आज का, उसकी पोजीशन बताऊंगा। उस पोजीशन को बताने के लिए मैं आपको बता दूं, आज की डेट में ना गाड़ियाँ बहुत कम हो गई, आप देखेंगे तो चारों तरफ में गाड़ियाँ आपको बहुत कम नज़र आएंगी, जिसकी वजह से रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि अकॉर्डिंग ऑफ मटेरियल शॉर्ट हो रहा है और उसका रेट बढ़ जाता है, मंडी का यही रूल है, ये सब हम सब जानते भी हैं। तो मैं आपको तीन दाने की आज रेट बताऊँगा, 50 रुपये किलो का है, उसके अलावा जो सरदा वो 450-500 तक का भी है। बॉबी खरबूजे की बात करूँ तो यहाँ पर ये बॉबी खरबूजा अपने पास, आप देखेंगे इसकी क्वालिटी, ये बॉबी खरबूजा और इसके रेट 500 रुपये का 10 किलो है। बॉबी खरबूजे का कमेंट भी आया था तो इसीलिए मैंने उसको कंप्लीट भी कर दिया। तो गाइस आज खरबूजा सरदा सबका रेट हो चुका है, सो थैंक यू एवरीवन वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू, लाइक एंड कमेंट सब बराबर करते हैं। हेलो एवरीवन गाइस, मैं आ चुका हूँ कीवी मार्केट, और कीवी मार्केट का जो आप ये नज़रिया देख रहे हैं ये कीवी है 30 दाना, और इसका जो क्लियर रेट आप करेंगे तो उससे पहले मैं आपको मिलवा दूँ यहाँ की टीम से, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ की टीम है जो कि यहाँ के कार्यकर्ता है, मजे से क्या भाई काम, लोग काम नहीं क्या आप लोगों के पास आज? अच्छा इसीलिए आज गेम में मजा ले रहे हो, गुड। तो गाइज आज मैं आपको बता दूं जो हमारे पास कंपनी है वो जेएम है, और जेएमडी सॉरी, तो चलते हैं सर के पास। तो गाइज जेएमडी में हम आ चुके हैं, और यहाँ पे जो ये जेएमडी का दुकान है यहाँ पे, यानी कि पूरी जो कंपनी है ये पूरे इम्पोर्टेंट फ्रूट के लिए फेमस है यहाँ, और इम्पोर्टेंट फ्रूट्स के साथ साथ और ये कीवी की बहुत ही थोक विक्रेताओं में है। तो आज हम बात करने वाले हैं भैया से। हेलो भैया, कैसे आप? बढ़िया जी। भैया आपका शुभ नाम बता दीजिए प्लीज। अभिषेक। अपनी फर्म का नाम? जेएमडी फ्रूट जी। अपने पास जो कीवी है भैया ये कहाँ की और क्या रेट है आज? ईरान की भी है सब सारी जी। कहाँ की है? ईरान की। ईरान की है सारी कीवी अपने पास में। तो क्या रेट चल रहा है आज कीवी का? कीवी का 10 किलो का 1100 रुपए रेट चला है। 10 किलो का 1100, जिसकी ये वाली जो पैक है 10 किलो की होती है, 1100 रुपए की होती है, और जो आप ये क्रेटों में बनाते हैं ये तो सर अलग अलग रेट के होते हैं। अच्छा सबका अलग अलग है, ठीक है। तो हम क्रेटों का ही जैसे पता चल गया ऐसा आइडिया, तो ये 30 दाना 60 दाना ये सब अलग अलग रेट का हो जाता है, 25 दाना 30 दाना जो साइज निकलती है उसे अलग अलग बनती है सारी, यानी कि ग्रेड तैयार होने के बाद ऐसा क्वालिटी डिपेंड करती है। क्या रेट रहेगा भैया अपने पास में? जैसे एप्पल है इम्पोर्टेंट एप्पल, तो इसे टर्की का है, और इसकी 1600 रुपये का 10 किलो। अपने पास ये एक और आइटम है जी, क्या है भैया इसका नाम? अवाकाडो। ये कहाँ का होता है और क्या रेट है? कहाँ का? न्यूजीलैंड का है। न्यूजीलैंड का 750 रुपये का। इसका टेस्ट कैसा होता है सर? टेस्ट तो इसका मतलब ये बटर बनने से अच्छा है। अच्छा, और सर अपने पास ये बब्बू भोसा साउथ अफ्रीका। क्या रेट होगा इसका? सर 1650 रुपये। 1650 रुपये। अपने पास वो ड्रैगन रखा है सर, ड्रैगन का भी रेट बता दीजिए प्लीज। ड्रैगन 1300 रुपये का। 1300 रुपये का डिब्बा। इसमें कितने पीस होते हैं और कितना किलो होता है? 20 पीस होता है, 9 किलो होता है। 9 किलो होता है और 1300 पीस। वीएनआर अमरूद जी, अपने पास वीएनआर अमरूद ये इम्पोर्टेंट है सर, 65 रुपये। तो सर अपने पास जो ज्यादातर फ्रूट्स है वो मतलब इम्पोर्टेंट ही है सर, सारा इम्पोर्टेंस होता है ज्यादातर की आपके पास सारा देखा जाए। और अंगूर भी एक रह गया, अंगूर का भी आप मुझे लास्ट क्लियर कर दीजिए प्लीज। 1300 रुपये का। ये कितने किलो का? 7 किलो। और ये कहाँ का होता है? चाइना का, ठीक है। सर आपका कॉन्टेक्ट नंबर एक बार बोल दीजिए प्लीज। 8178184490। बहुत बहुत थैंक्स सर आज का रेट बताने के, पोजीशन बताने के। तो गाइस जैसे कि ये नंबर आपको मिला, इस नंबर पे आप ज्यादा थोक का संपर्क करेंगे, कोई भी फुटकर का कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि गाइस ये दिल्ली की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, यानी कि दिल्ली में भी और एशिया में भी सबसे बड़ी मार्केट होने के साथ साथ यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो थोक में मिलता है, ना कि फुटकर में। तो इस नंबर पे जो भी कोई कॉल करे। हेलो एवरीवन गाइस, मैं आ चुका हूँ चीकू मार्केट, और चीकू मार्केट के साथ मैं आपको बता दूं यूएसए C41 खेती के चीकू की दुकान, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे स्पेशली यहाँ पे कुछ नोटेड है, यानी कि लिखा हुआ है, उसे आप गौर करेंगे। उसे गौर करने के साथ साथ मैं आपको यहाँ की एक खासियत और बताने वाला हूँ, जो कि यहाँ के सर हमें खुद बताएंगे। तो चलते हैं सर के पास। एक्चुअली चीकू का कमेंट आया होता, चीकू की वीडियो नहीं बनाते, तो मैं आज से आपको चीकू की वीडियो प्रोवाइड करूंगा। उसके साथ साथ जो आज हमें बताएंगे वो यहाँ के बहुत ही फेमस और बहुत ही जाने माने सर है। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया, आप कैसे हैं? जी मैं भी फाइन। आप बोल से गुड नेम सर? माय नेम इज करण हरजानी। ओके, वो आपकी फर्म का नाम क्या होगा? उदोदा सन्स एंड कंपनी जी। सर अपने पास जो चीकू है आज, जैसे आप बता रहे थे, वो क्या रेट होगा, क्या पोजीशन होती है कुछ चीकू के बारे में? मैं आपको चीकू के बारे में बताऊं जी। चीकू का काम बाकी शहरों से बिल्कुल अलग है जी। चीकू में एक बड़ा ही ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना हुआ है पिछले 40 साल से जी।
पूरे एशिया में ऐसी कोई दुकान नहीं है जो एक सिंगल रेट पे माल बेचती है। हाँ जी, ये इसकी शुरुआत मेरे दादाजी श्री ठाकुर दास जी ने की थी जी। उनका अनफॉर्चुनेटली निधन हो गया इस साल। सॉरी सर। उन्होंने क्या सिस्टम बनाया था, उन्होंने ये बोर्ड लगाया था जी। बोर्ड में वो तारीख लिखते थे। हाँ जी। और जो माल का रेट खुलता था वो लिखते थे। अच्छा। आज की रेट में मेरे पास 17,000 डब्बे हैं चीकू के जी, 17 गाड़ियां। तो हर इंसान ने जितने माल लिया है सबको ये रेट लगेगा, ए टू जेड, चाहे वो कोई भी हो, सबको सेम रेट है, सेम क्वालिटी। 5 साल का बच्चा भी आएगा माल लेने के लिए, उससे ये रेट लिया जाएगा। बहुत बहुत अच्छी बात है ये। मार्केट काला बाजारी नहीं, कोई धोखेबाजी नहीं जी। अच्छा, ये रेट व्यापारियों को भी पता होता है। अच्छा। कई फार्मर्स को शिकायत होती है कि हमें जेनुइन बिक्री नहीं मिलती जी, किसी रेट में माल बिकता है हमें कुछ और मिलता है। हाँ जी। ये सारा का सारा रेट डेली वहाँ कन्वे होता है, क्योंकि ये ओपन सिस्टम है जी। हाँ। और सिर्फ हम बोर्ड पे नहीं लगाते हैं, मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ आपको। हाँ सर, बिल्कुल बताइएगा। इस रेट को हम 1200 लोगों को मैसेज भेजते हैं जी, 1200 नंबरों पे डेली ये रेट ब्रॉडकास्ट किया जाता है जी। यहाँ मेरे ये रनिंग बोर्ड्स हैं। हाँ, यहाँ पे रेट चलता है और 1200 लोगों के फोन नंबर्स पे ये मैसेज जाता है डेली जी। चीकू एक ऐसा फ्रूट है जिसमें एक स्टैंडर्डाइजेशन है, जिसमें कोई कालाबाजारी नहीं है, जिसका रेट ईमानदारी का है। अब चाहे बच्चा आए चाहे बूढ़ा आए लेने के लिए, चाहे 5 डब्बे लो चाहे 1000 डब्बे लो, एक ही रेट लगेगा। सेम रेट, चाहे कैसी भी जिसकी जैसी क्वालिटी, उसका एक ही रेट लिखा हुआ है। और वो चाहे कोई भी लेने के लिए जाए सबको सेम मिलेगा। ये बहुत बहुत अच्छी बात है, एकदम क्लियर आंसर है, किसी को कोई डाउटेबल नहीं रहेगा, ना व्यापारी को ना खरीदारी को और ना ही आगे किसी भी कस्टमर को। तो सर ये तो बहुत अच्छा आपने तरीका जो दादाजी करके गए हैं। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, दादाजी को हम थैंक्स करना चाहेंगे। थैंक यू, हम भी थैंक करना चाहेंगे दादाजी सर। इस चीज को स्टडी करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद जी, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एमबीए कॉलेज माना जाता है जी, आई एम अहमदाबाद, वहाँ के प्रोफेसर आए थे यहाँ पे, एक हफ्ता रहे, पूरा उन्होंने स्टडी किया इसको जी। इस पे केस स्टडी बनाई है उन्होंने, जो अपने एमबीए कॉलेजेस में पढ़ाते हैं। अच्छा। कि इतना ऑनेस्टली भी बिजनेस किया जा सकता है और वो भी क्लियर, उसमें कोई भी झोल झमाल भी नहीं रहेगा, उसमें क्लियर, उसमें कोई भी झोल झमाल भी नहीं रहेगा, उसमें पेमेंट का भी मुझे नहीं लगता कि कोई इशू रहेगा। इतनी ईमानदारी से हम बिजनेस को भी लेकर के ले चलेंगे तो उसमें हम सभी को फायदा टू जेड, लेके जूनियर से सब एवरी सीनियर्स को भी। नहीं सर, तो बहुत अच्छा जो दादाजी मैसेज देना चाहूंगा दर्शकों को, चीकू एक बहुत ही अच्छा फ्रूट है, बहुत ही हेल्दी फ्रूट है और बड़ा ही सस्ते रेट में मिलने वाला फ्रूट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इम्पोर्टेड फ्रूट के चक्करों में ना जाए, चीकू खाएं जो अपना देसी इंडियन फ्रूट है, जिससे किसानों का भी भला होगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। ऑफ कोर्स सर, थैंक यू सो मच सर। एक चीज में एक नजर मैं क्वालिटी पे डालना चाहूंगा, थोड़ा सा आप क्वालिटी के साथ मुझे थोड़ा रेट क्लियर कर देंगे प्लीज, कराएंगे। तो गाइज अभी हम जो बॉक्स की बात कर रहे थे जैसे क्वालिटी की, तो क्वालिटी की तरफ चलते हैं। क्वालिटी की तरफ में हम बनाते हैं आज का, मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वालिटी, ये आप देखेंगे। नहीं सर, ऐसे ही रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है। देख रहे हैं आप यहाँ पे क्वालिटी, और ये बहुत अच्छी बात है। अभी सिर्फ सर क्लियर करने वाले थे नीचे दिखा के, लेकिन मैं आपको बता दूं सर बेच चुके हैं सारा माल, तो ज्यादा फैलावा नहीं करेंगे। तो सर इसका क्या रेट है जो अभी आपने दिखाया है? ये एक्स्ट्रा लार्ज मार्का है जी, खेती का, यूएसए ब्रांड का। यही हमारा स्टेपल स्टैंडर्ड मार्का है जो पिछले 40 साल से इसी बॉक्स में इसी पैकिंग में आ रहा है कंटिन्यू 40 सालों से। 40 साल से जी, उससे भी ज्यादा हो गए हैं सोसाइटी को, लेकिन 40 साल का तो रिकॉर्ड है मेरे पास जी। ठीक है, इसका रेट आज के रेट में 300 रुपए कुल है, 300 रुपए कुल 10 किलो का, 10 किलो का। तो गाइज इतना साफ सुथरा बिजनेस करने वाले व्यक्ति के साथ में अगर कोई भी बिजनेस करेगा तो हमेशा फायदे में रहेगा, मेरी राय के नहीं बल्कि सभी लोगों की ये राय रहेगी। तो थैंक यू सो मच सर आज का रेट बताने के लिए। सर आज आपका कॉन्टेक्ट नंबर एक बार प्लीज बता दीजिए। करण हरजानी 9999777768। बहुत बहुत थैंक्स सर। तो गाइज ये जो नंबर सर ने आपको दिया है इस नंबर पे, ये दिल्ली एशिया की मार्केट सबसे बड़ी होने के बाद और फिर यहाँ पे एक ही प्राइस अगर आपको मिल रहा है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो गाइज इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, इस नंबर पे कांटेक्ट करके कोई भी फुटकर का नहीं ताजदार थोक का ही संपर्क करें। और थोक के साथ साथ यदि कोई अपना माल यहाँ पे लगाना भी चाहता हो तो लगा भी सकता है, क्योंकि उसमें भी आपको बिजनेस में क्लियरेंस नजर आ रहा है। कोई भी आदमी अगर 40 सालों से एक ही काम को करे जा रहा है और उस पर बिल्कुल सक्सेस हो रहा है और उसके ऊपर स्टडी एज अ प्रोफेशनल हैदराबाद से की गई है तो वाकई में बहुत जेन्युइनली चीज़ है। तो प्लीज़ फॉलो भी करें, लाइक भी करें, हमें कमेंट भी करें, मेरे चैनल को भी और सर के रूल को भी। सो थैंक यू एवरीवन गाइस, आज का चीकू का रेट यहीं पर।